कम लेट शेयर एंड बिग गुड्स HSF के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 150 यूनिट ब्लड कलेक्शन के साथ शिविर के दौरान तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन भी हो रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर के RNT मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जहां विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जी, नमस्कार, मैं ह्यूमन सोशल फाउंडेशन से ब्लड कोऑर्डिनेटर नीरज संकत हूँ। ये कैंप थैलेसीमिया कैंसर से पीड़ित और ज़रूरतमंद जो लोग हैं MYH के अंदर, जिनको रक्त की कमी रहती है, उनकी पूर्ति के लिए कैंप और ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग आप देख सकते हैं कि 50 यूनिट का आंकड़ा पार हो गया है और भी रक्तदाता आ रहे हैं यहाँ पर। सर, लक्ष्य यही रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, जो कि वह व्यक्ति जो कि कभी भी जिन्होंने ब्लड डोनेशन नहीं किया है, वो आगे आएँ और रक्त की कमी को देखते हुए जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुँचे और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पौधे भी रखे हुए हैं। जी, बिल्कुल, अभियान को देखते हुए अभी जैसा कि शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उनके जो कि पर्यावरण से संबंधित अभियान था, उन जागरूकता को देखते हुए हमने पौधारोपण का भी कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्लांटेशन के लिए। और ये जो शिविर है पूरा टीम कमलेट शेयर एंड टीम बींग गुड संस्था पूरा इसका संचालित कर रही है, और शिविर आप देख सकते हैं पूरी तरह से। जी, मैं नीरज कुमार संकत, मैं ह्यूमन सोशल फाउंडेशन से हूँ, रक्तदाता हूँ मैं और ब्लड कोऑर्डिनेटर हूँ मैं इंदौर शहर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।